दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग इंतजार कर रहे थे और बहुत सारे कमेंट कर रहे थे कि सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का वैकेंसी या फिर ऑनलाइन फॉर्म जो है कब स्टार्ट होगा, तो आप लोगों के लिए इसके रिगार्डिंग बहुत ही बड़ी खुशखबरी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों के लेके आया हूँ। आज इस वीडियो में जानेंगे दोस्तों कैसे फॉर्म को फिलअप करना है, पूरा फॉर्म को फिलअप करके आपको इस वीडियो में मैं बताऊँगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देखिएगा। इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर जो बेसिक इन्फॉर्मेशन होगी वो यहाँ पर मैं डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहले दोस्तों इसका डाउट जो होता है जॉब लोकेशन का, तो दोस्तों इसका जो हेडक्वार्टर है वो दिल्ली में है, लेकिन जॉब लोकेशन जो है ऑल ओवर इंडिया पे होगी। यहाँ पे दोस्तों परमानेंट वैकेंसी है 31 मार्च 2023 जो इसकी लास्ट डेट है। आज जो है फॉर्म स्टार्ट हो चुका है, फॉर्म को कैसे फिलअप करेंगे वो भी आपको बताऊंगा। सबसे पहले यहाँ पे वैकेंसीज जान लेके लेते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है, यहाँ पे 10वीं 12वीं BTEC डिप्लोमा BSc MSc के कैंडिडेट जो है फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों 163 जो है टोटल नंबर ऑफ पोस्ट आई हुई है। तो साइंटिस्ट पोस्ट के लिए यहाँ पे 62 पोस्ट आई हुई है, 35 साल एज लिमिट रखी गई है। असिस्टेंट लॉ ऑफिसर्स के लिए 6 पोस्ट, 30 साल एज लिमिट। असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर के लिए 1 पोस्ट है, 30 साल एज लिमिट। यहाँ पे सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए 16 पोस्ट, 30 साल यहाँ पे एलिजिबिलिटी रखी गई है। टेक्निकल सुपरवाइजर की बात किया जाए दोस्तों तो यहाँ पे 30 साल। अकाउंट असिस्टेंट की बात किया दोस्तों तो यहाँ पे 30 साल और 2 पोस्ट है। 18 से लेकर 27 साल कैंडिडेट जूनियर टेक्नीशियन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सीनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए 15 पोस्ट आई हुई है 18 से लेकर 27 साल के कैंडिडेट। अपर डिवीजन क्लर्क, डाटा एंट्री ऑपरेटर, जूनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट, लोअर डिवीजन क्लर्क, फील्ड अटेंडेंट, मल्टीटास्किंग स्टाफ, इन सब पोस्ट के जो यहाँ पे वैकेंसी क्रिएट हुई है, काफ़ी अच्छी वैकेंसी यहाँ पे आई है। चलिए फॉर्म को कैसे फिलअप करना है उसके रिगार्डिंग बात कर लेते हैं। तो दोस्तों फॉर्म को फिलअप करने के लिए लिंक मैंने आपको दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे, आप वहाँ पे क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुल के आएगा। यहाँ पे सबसे पहले जो है आपको फॉर्म को फिलअप करना है। तो फॉर्म को फिलअप करने के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं अप्लाई ऑनलाइन जॉब फॉर CPCP, इसको आपको क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे ओके कर देना है। यहाँ पे ओके करने के बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो 4 लिंक दिए गए हैं जिस लिंक से आप जो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। तो कोई सा भी लिंक आप क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप लिंक पे क्लिक करते हो तो आपके सामने यहाँ पे देखते हो दोस्तों बहुत ढेर सारा इन्फॉर्मेशन आता है, मतलब एक नया पेज जो है खुल के आता है। अब ये नया पेज दोस्तों जैसे ही खुल के आता है सबसे पहले आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना है। तो क्लिक हियर टू रजिस्टर पे क्लिक करना है। यहाँ पे दोस्तों आप अपना 10th में जो भी आपका नाम है दोस्तों आप अपना नाम यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ टाइप कर देना है। यहाँ से आप अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर सकते हो। अब यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने के बाद जो है आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे देना है, मेल आईडी देना है, पासवर्ड यहाँ पे क्रिएट करना है। पासवर्ड दोस्तों एक कैपिटल लेटर होना चाहिए, एक स्मॉल लेटर होना चाहिए, एक न्यूमेरिकल होना चाहिए, एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। इस प्रकार पासवर्ड यहाँ पे रख के कंफर्म पासवर्ड कर देंगे। इसके बाद आई एम नॉट रॉबर्ट यहाँ पे सबमिट लिखा हुआ है, सबमिट पे क्लिक कर देंगे। ये सब करने के बाद दोस्तों जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करते हो तो आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो हो जाता है। यहाँ पे ये देखिए हम जैसे यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करते हैं तो हमारा जो है रजिस्ट्रेशन यहाँ पे हो जाएगा। दोस्तों जैसे आप यहाँ पे देखेंगे आपका एक रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा। अब यहाँ पे क्लिक हियर टू लॉगिन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे अपना लॉगिन आईडी या फिर जो मेल आईडी आपने डाला हुआ है वो मेल आईडी डाल दीजिए। यहाँ पे जो पासवर्ड आपने क्रिएट किया हुआ है दोस्तों वो पासवर्ड जो यहाँ पे टाइप कर दीजिए। टाइप करने के बाद दोस्तों ये सब करने के बाद यहाँ पे आई एम नॉट रॉबर्ट पे क्लिक कर दीजिए और लॉगिन पे यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। तो अब ये देखिए यहाँ पे जो है लॉगिन हो चुका है, आपका डैशबोर्ड आ चुका है, यहाँ पे आपका नाम आ चुका है। अब यहाँ पे 6 स्टेप में जो है फॉर्म को फिलअप करना है। पहला स्टेप जो है एप्लीकेशन फॉर्म है, तो यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे आप देख सकते हो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, नाम, डेट ऑफ बर्थ आ चुका है। अब यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म तो ये आ चुका है। अब यहाँ पे जब इसको आप बैक करते हो तो यहाँ पे जो दूसरा है एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ये वाला सेक्शन जो है खुल के आ गया है। यहाँ पे जो अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन इंटर करना है। यहाँ पे क्रॉनिकली जो आपको ऐड करना है, सबसे पहले 10th का, फिर 12th का, फिर जो भी आपने ग्रेजुएशन कर रखा है उसका इन्फॉर्मेशन यहाँ पे फिलअप करना है। यहाँ पे कौन से फील्ड से हैं वो भी लिखना है। कब पास आउट किए हैं दोस्तों ये आपको बताना है। यहाँ पे इसका बोर्ड आपको बताना है, कौन से बोर्ड से यहाँ पे आपने किया है, कितने परसेंटेज आए हैं आपको जो यहाँ पे बताना है। यहाँ पे जो है डिवीज़न बताना है। तो जो भी आपका है अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे फिलअप कर देंगे। जैसे मैंने यहाँ पे 10th का फिलअप कर दिया है, मैं 12th का फिलअप करूँगा। अब यहाँ पे 12th का फिलअप करने के बाद यहाँ पे मैं जो है फर्दर इन्फॉर्मेशन जो भी यहाँ पे पूछी गई है सारी इन्फॉर्मेशन जो है यहाँ पे लिख देता हूँ। अब जो भी आप यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन अपना लिखनेंगे आपके अपने अकॉर्डिंग जो यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। तो मैंने यहाँ पे सिर्फ 10th और 12th का भी लिख के दिखाया हूँ। अगर आपने ग्रेजुएशन वगैरह कर रखा है तो वो भी ऐड कर सकते हैं, अगर कुछ एक्सपीरियंस है तो भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए सारा ऑप्शन जो है पूछा गया है। यहाँ पे नीचे इसको स्क्रॉल डाउन करके अब यहाँ पे सेव डाटा पे आपको क्लिक कर देना है, तो आपका जो डाटा है वो सेव हो जाएगा। अब यहाँ पे सेव होने के बाद यहाँ पे अपलोड इमेज पे आप जाएंगे। यहाँ पे जो है फोटो अपलोड करनी है, चूज फाइल पे जाइए।
अपनी जो है फोटो अपलोड कीजिए। तो आपकी कोई भी सी फोटो हो आप अपना यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं ये फोटो अपलोड कर रहा हूँ, मैंने ये फोटो को अपलोड कर दिया है। अब यहाँ पे देखिए 50 KB से ज़्यादा फोटो नहीं होना चाहिए, तो ध्यान रखिएगा 10 से लेकर 50 KB तक साइज़ की फोटो जो अपलोड करनी है। तो आप जो है अपनी फोटो को रिसाइज कर सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शन जो है मैंने आपको बहुत सारे वीडियो में बताया हुआ है। तो आप जो है वहाँ पे जाके अपना फोटो जो है अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए फोटो सक्सेसफुली अपलोड हो चुका है। अब यहाँ पे सिग्नेचर अपलोड करेंगे, वो भी जो है आपका जो है 10 से लेकर 50 साइज़ का जो है यहाँ पे होना चाहिए। तो आप अपने अकॉर्डिंग सिग्नेचर भी यहाँ पे अपलोड कर देंगे। एग्जाम्पल तौर पर मैं दिखा देता हूँ, मैंने जो है ये फोटो सिग्नेचर जो अपलोड कर दिया है। अब यहाँ पे ये अपलोड होने के बाद आप देख सकते हैं आपकी फ़ोटो सिग्नेचर जो आ चुकी है। अब यहाँ पे चेक एलिजिबिलिटी यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको सबसे पहले अपना पोस्ट लिखना है। तो कौन सी पोस्ट पे आप एलिजिबल हो यहाँ से आपको मालूम चल सकता है। मान लीजिए दोस्तों आप जो है लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए फिलअप करना चाहते हैं तो इसको क्लिक कर सकते हैं। अब यहाँ पे चेक एलिजिबिलिटी आएगा। अब यहाँ पे देखिए चेक पोस्ट एलिजिबिलिटी यहाँ पे खुल के आ चुका है। यहाँ से अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर लेंगे। इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पे जिस पोस्ट अप्लाई करना चाहते हैं आप अपना जो भी है इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आप डाल के चेक कर सकते हैं। ये सब करने के बाद जो है यहाँ पे डिक्लेरेशन है। अब डिक्लेरेशन में आपको यहाँ पे टिक कर देना है, यहाँ पे आई एक्सेप्ट कर देना है, इसको भी टिक कर लीजिए। अब ये एक्सेप्ट होने के बाद आपको जो अप्लाई फॉर द पोस्ट, तो यहाँ तो दोस्तों यहाँ पे अप्लाई पोस्ट पे आप जैसे क्लिक करते हो यहाँ पे सारे ऑप्शन आ जाते हैं जो भी इसके जो भी पोस्ट पे अप्लाई करना है। अब यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे अभी तो देखेंगे जब इसको आप अप्लाई करते हैं तो कुछ एरर आता है, यहाँ पे अप्लाई नहीं होता। जैसे कि अभी देखिए मैंने यहाँ पे मान लीजिए मैं जो है लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए फिलअप कर रहा हूँ, मैंने अप्लाई पे क्लिक किया। अब यहाँ पे इस प्रकार का प्लेटफॉर्म खुल के आ रहा है, यहाँ पे कुछ भी नहीं शो कर रहा है। तो ये जो है आने वाले दिनों में जो है सॉल्व किया जाएगा। अभी जो है ये बहुत ज़्यादा रश होने की वजह से ये वेबसाइट जो हैंग कर चुकी है, इसलिए आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा। तो जैसे ही आप ट्राई करते रहिएगा, जैसे यहाँ पे आता है इस प्रकार का अप्लाई तो यहाँ पे आपका लिख जाएगा कि आपने कौन कौन सी पोस्ट पर अप्लाई किया हुआ है। इसके बाद यहाँ पे फी पेमेंट पे आप जाएंगे तो आपका जो है पर्टिकुलर फी लगेगा, एप्लीकेशन फ़ी लगेगा। इसके बाद जो है आप सबमिट कर जाएंगे, फी पेमेंट के बाद आपका जो फॉर्म हुआ है सबमिट हो जाएगा। बाकी यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस नंबर भी दिया हुआ है, अगर आप कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। तो सारा इन्फॉर्मेशन जो है यहाँ पर दिया गया है। तो इस प्रकार दोस्तों आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ पर नोटिफिकेशन की रिगार्डिंग अगर बात किया जाए तो यहाँ पे देख सकते हैं सारा इन्फॉर्मेशन जो यहाँ पे दिया गया है कि कौन कौन से कैंडिडेट जो है कितना एज लिमिट वगैरह है, वो तो मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग बता दिया है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग बता दिया है। तो फॉर्म को अप्लाई करने से पहले आप एक बार ज़रूर जो है यहाँ पर सारा इन्फॉर्मेशन पढ़ लेंगे। यहाँ पर अप्लीकेशन फ़ी के बारे में बताऊँ तो मैं आपको, तो यहाँ पर देख सकते हैं टोटल जो है 1000 रुपीज़ का, और जो 1 घंटे का एग्ज़ाम है उसके लिए 500 रुपये का एप्लीकेशन फ़ी यहाँ पर रखा गया है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो आप लोगों को बतानी थी। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। आज के बस इतना है, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग।